सिंगापुर जा रहा हूँ एक और सफ़र, और इस सफ़र में भी कोशिश करूँगा कि आप मेरे साथ रहें, बहुत मज़ा आने वाला है। और अभी मेरी फ़्लाइट में थोड़ा सा टाइम है, तो मैं बिज़नेस क्लास लाउंज में जाके बैठूँगा। रोज़ा है इसलिए कुछ खा पी नहीं सकते, लेकिन रेस्ट आप ज़रूर कर सकते हैं। मेरी फ़्लाइट के टाइम हो गया, अब यहाँ आराम करने के बाद अब फ्लाइट में जा रहा हूँ मैं, और थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे हम अपने गेट पे। मैं पहुंच गया यहाँ, अब बैग लेना है मुझे, अब देखता हूँ मेरा किस बेल्ट पे आता है बैग। होटल की कार का वेट कर रहा हूँ अभी, देखें बाहर मौसम तो बड़ा ख़तरनाक है, बारिश है, अब आगे क्या होगा। होटल का कार्ड ले लिया, अभी चेक इन कर रहा हूँ और देखते हैं सुबह क्या होता है। होटल की बालकनी से जो सिंगापुर का मंजर दिखाई दे रहा है आपको, बाहर का व्यू बहुत खूबसूरत है। टॉप फ्लोर है इस वजह से आपको हर चीज अच्छी नजर आएगी। ये सामने एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है जो बहुत खूबसूरत लग रही है। थोड़ी बहुत जो लुक है इसकी दुबई की तरह की है। ये मालपुरा है और रबड़ी है, बहुत अच्छी लग रही है इफ्तार में। हैदराबाद इंडिया की रेसिपी बहुत ज़बरदस्त। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है सिंगापुर में, और भी आप देख सकते हैं काफ़ी लोग हैं जो बारिश में वेट कर रहे हैं अपनी अपनी गाड़ियों में जाने का, तो मैं भी वेट कर रहा हूँ। अभी बाहर जा के बताता हूँ आपको कि यहाँ का नाइट लाइफ कैसे है। ऑर्चर्ड वाली साइड जो है वो आपको ज़्यादा अच्छी लगती है, यहाँ सामान में ब्रांड मिल जाते हैं आपको, हर चीज़ मिल जाती है। यहाँ ये एक टेंपल है, मौसम आप देख रहे हो बहुत ज़बरदस्त है, आसमान पे बादल, थोड़ी देर में बारिश हो जाएगी। यहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही है और यहाँ ये मौसम ऑसम है।
खास जगह है, यहाँ का मॉल है, मार्केट का जो इलाका है वहाँ, और ये बिल्कुल दुबई मॉल जैसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं शॉपिंग करते हैं। ये यहाँ का ट्रेन स्टेशन है, लोकल आपको कहीं भी सफ़र करना है तो आप ट्रेन पे जा सकते हो। तो मुझे बहुत मज़े का लगता है कि मैं कहीं भी लोकल ट्रेन पे सफ़र करूँ। बसेस भी हैं, ट्रेन भी है, तो एलिवेटर से आपको नीचे जाना है। ये ट्रेन स्टेशन आ गया जी, यहाँ राइट लेफ्ट दोनों में बहुत एडवांस, बहुत तेज़ ट्रेन, साफ़ सुथरा, एयरपोर्ट की तरह का ये अच्छा लग रहा है। ट्रेन थोड़ी थोड़ी देर के बाद आती है यहाँ पे, वेट करना होता है आपको, और फास्ट है। आप कार्ड लगाते हो जैसे दुबई या किसी भी जगह में, मेट्रो में अगर आपने पे किया हुआ है तो आप लोग ट्रेन में बैठ सकते हो, टॉप ऑफ वाला कार्ड। ये हरबन टी की दुकान है, बहुत ज़बरदस्त। जल्दी जल्दी आलू के चिप्स खाने हो तो खा सकते हैं। जी, मैं इस वक्त जहाँ पे हूँ, आपको ये बिल्डिंग्स कुछ नज़र आ रही हैं, ये मेरे इर्द गिर्द कैमरा से घुमा के इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको पता चले, ये जितनी बिल्डिंग्स हैं यहाँ सिंगापुर में, आपको 90% ऑलमोस्ट ये सब के सब जो अपार्टमेंट हैं, कॉन्डोज हैं, ये गवर्नमेंट के हैं। और यहाँ ये होता है कि आप इन्हीं से ख़रीद सकते हैं और बेचने के लिए भी आप सिर्फ इन्हीं को बेच सकते हैं, लीज़ पे आपको लेना होता है। और सिंगापुर में अगर आप गाड़ी ख़रीदते हो, ये गाड़ियाँ जैसे आपको दिखाई दे रही हैं, तो गाड़ी की कीमत तो आप दोगे ही दोगे, चाहे बैंक से लो चाहे कैश ले लो, लेकिन आपको उसके अलावा सिर्फ चलाने का जो परमिट चाहिए उसके लिए कुछ $60,000 से $80,000 सिंगापुर के जो आपको पे करने होते हैं। तो ये थोड़ा बड़ा अजीब सा है, जो दुनिया में कहीं और कानून नहीं है, लेकिन वो इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा उनकी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल हो, लोग साइकिल, पैदल, बसें, ट्रेन उसमें जाएं। और बस बाकी भी आगे बताता हूँ कि और क्या क्या चीज़ है। जी फाइनली मेरे जाने का टाइम आ गया है, मेरा लगेज पीछे देख रहे हो ये पड़ा हुआ, और मैं अभी एयरपोर्ट के लिए निकल रहा हूँ। अब रास्ते में क्या क्या है वो भी आपको बताते हैं। बहुत अच्छा लगा, ये देखो जिस टैक्सी में मुझे एयरपोर्ट जाना है, लग रहा है टैक्सी कम और साइंस का करिश्मा ज़्यादा है। एक मस्जिद है यहाँ पे, जी तो फाइनल हो गया, मेरा चेक इन हो गया। अब इफ्तारी का टाइम है, इफ्तार करके फिर हम यहाँ सिंगापुर एयरपोर्ट से दुबई के लिए निकलेंगे।
फाइनली मैं पहुंच गया जी, और अपने लगेज के साथ घर से गाड़ी आ रही है, वेट कर रहा हूं मैं। और आपकी इस मोहब्बत का शुक्रिया जो वो इतना प्यार देते हैं। किसी और जगह किसी और लम्हे आपसे फिर हो रही है मुलाकात। शुभ ख़ैर।